दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से जानवर पाए जाते हैं जिनमें से एक कीड़े भी होते हैं। कुछ कीड़े बहुत ही ज्यादा साधारण होते हैं तो कुछ कीड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक और असाधारण, जिनके काटने से इंसान को मौत का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही खतरनाक कीड़ों के बारे में बताने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 4 पार्ट्स बना भी डाले, जिन पर आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और अगले पार्ट की डिमांड कर डाली। और आपके इसी प्यार को देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड वीडियो का पार्ट 5, बम्बार्डियर बीटल। दोस्तों, सभी जीवों को अपनी आत्मरक्षा के लिए अलग अलग काबिलियत मिली है। कुछ ऐसी ही काबिलियत बम्बार्डियर बीटल के पास भी है। दोस्तों, यह जीव अपने पीछे की ओर चैनल के माध्यम से जहरीले और गर्म तरल पदार्थ को स्प्रे करने के लिए प्रसिद्ध है। इस बीटल के पेट में 2 चैम्बर बने होते हैं, जिसमें एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में हाइड्रोक्विनोन होता है। और जब भी इस जीव को खतरा महसूस होता है, तब यह बीटल इन दोनों रसायन पदार्थों को एक साथ मिक्स करके शिकारी जानवरों पर स्प्रे कर देता है। बता दें कि जब बीटल लिक्विड स्प्रे करता है, तब इस लिक्विड का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जिस किसी पर भी यह बीटल लिक्विड स्प्रे करता है, उसकी जान पर बनाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बीटल के पास जब तक लिक्विड खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह लगातार स्प्रे करता रहता है और यह किसी भी एंगल में स्प्रे कर सकता है, जिसके कारण यह बिना हिले खतरे पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। तो अगर आपको ये जीप कहीं दिखाई दे तो इसे दूर रहने में ही आपकी भलाई होगी। वेलवेट एंट। ये चींटियों की एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक प्रजाति होती है, जो कि जानवरों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होती है। हालांकि ये चींटियां इंसानों के लिए भी खतरनाक होती है, जिसके काटने से इंसानों को काफी तेज दर्द होता है, पर इंसानों की मौत नहीं होती। इस चींटी को ज्यादातर लोग काउ किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गाय को काट कर उसे मारने के लिए भी जानी जाती है। इस चींटी को सबसे यूनिक चींटियों में से एक भी माना जाता है, जिसका रंग रेड और ब्लैक होता है। वेलवेट एंट को खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसका डंक बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है और इसके जहर में बहुत से खतरनाक केमिकल भी मिले होते हैं, जिसकी वजह से इसके काटे जानवर की मौत भी हो जाती है। तो अगर आपको ये चींटी कहीं दिखाई दे तो तुरंत जान बचाकर भाग जाना, वरना क्या होगा वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। टिक। ये खतरनाक कीड़ा इस लिस्ट का सबसे कॉमन जानवर है, जिसकी अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 50,000 से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से कुछ तो इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं, लेकिन कुछ इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसके काटने से इंसानों को कई भयानक और भयावह बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। इसका जहर इंसानों की बॉडी में जाने से कभी कभी वो पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक पल होता है। ये ज्यादातर रशिया और साइबेरिया के जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ इनकी जनसंख्या हजारों में है। ब्राउन टेल मॉथ। ये मौत कैटरपिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि पेड़ों को बर्बाद करके उन्हें खराब कर देता है। इंसानों के लिए कीड़ा और भी ज्यादा घातक और खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि ये कीड़ा लोगों को बीमार करने और उनके शरीर पर धब्बे बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके शरीर में कई सारे बालों की लेयर होती है, जिसमें भारी मात्रा में जहर भरा होता है, और जैसे ही इनसे कोई पंगा लेता है, उस पर ये अपना जहर उड़ेल देते हैं, जिससे कि सीरियस ब्रीथिंग हो जाती है और इंसान को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कीड़े का जहर बहुत ही ज्यादा घातक होता है, जिसे इंसानों को बचकर रहना चाहिए। जायंट डेजर्ट सेंटीपीड। ये सेंटीपीड की ही एक प्रजाति होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आपको बता दें कि जायंट डेजर्ट सेंटीपीड इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक होती है। ये कीड़ा ज्यादातर साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ मेक्सिको में पाया जाता है। इस कीड़े के काटने से इंसानों को बहुत ही तेज बुखार का सामना करना पड़ता है और इससे इंसानों को वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि इसके जहर में लेक्थिन, हिस्टामाइन, थायरोमोलोसिस, हाइलुरोनिडिस पाया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। जिन देशों में ये कीड़ा पाया जाता है, वहाँ लोगों में इसका खौफ हमेशा ही बना रहता है और वो इससे दूरी बनाकर ही रहते हैं। इसके काटने से कोई भी व्यस्क इंसान हॉस्पिटल जा सकता है। हालांकि इसके काटने से इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन ये किसी बला से कम नहीं है। किलर बीज। इस मधुमक्खी के बारे में आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। दोस्तों, ये मधुमक्खियां नेचर द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। दरअसल इन बीज को वैज्ञानिकों द्वारा ज्यादा शहद की उम्मीद में ब्राजील के लेव में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली बीज के मिक्सचर से बनाया गया था।
लेकिन ये मधुमक्खियां वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और कम शहद देने वाली लेकिन बेहद आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गई। और हद तो तब हो गई जब ये मधुमक्खियां कुछ दिनों बाद लेप से भाग गई और दुनिया भर के कई अलग अलग हिस्सों में फैल गई। और अब ये मधुमक्खियां कॉलोनी बनाकर रहती हैं और इनकी हर कॉलोनी में 80,000 के करीब मेंबर्स होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला तो नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करती हैं और अपने शिकार का एक मील तक पीछा करती हैं, इसीलिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये ज्यादातर तभी हमला करती हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करता है, या ज्यादातर झुंड में रहकर ही हमला करती हैं और इंसानों के आँख या कान के हिस्सों में सबसे पहले हमला करती हैं। इसी कारण इस साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। स्कॉर्पियन। बिच्छों के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छों की 1700 से भी ज्यादा प्रजातियां इस दुनिया में पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके जहर से इंसान की मौत भी हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों पर पाए जाते हैं। डेथ स्टेलकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। मॉस्किटो। हमें पता है कि इस लिस्ट में मच्छर का नाम सुनकर आप हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर मच्छर खतरनाक कैसे होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक होते हैं। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिसके कारण दुनिया में हर साल 7 से 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़े या जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसान के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादातर खतरनाक इसीलिए भी होते हैं क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसीलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि कभी भी ये खत्म नहीं हो सकते। मेंटिस। देखने में काफी भोला और मासूम दिखने वाला ये कीड़ा असल में काफी गुस्सेल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कीड़े को जब गुस्सा आता है तो ये बिना किसी वजह के ही अपने से कई गुना खतरनाक जानवरों पर हमला कर देता है। और अगर कोई शिकारी जानवर इन्हें मामूली समझकर इनका शिकार करने की कोशिश करता है तो इसकी तो खैर नहीं होती। अब जैसा कि आप इस सांप को ही देख लीजिए, देखिए कैसे इस सांप को इस मेंटिस ने बिल्कुल बेबस कर रखा है और अब ये सांप भी इसे तंग आकर पछता रहा है। इंटरनेट पर ऐसी ही एक और वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें एक गिरगिट ने इसका शिकार करने की गलती कर दी और फिर आगे क्या हुआ वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। गिरगिट को इसने अपनी मजबूत टांगों से जकड़ लिया और फिर इसे जिंदा ही खाना शुरू कर दिया और बाद में इसने गिरगिट का वो हाल किया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना खतरनाक कीड़ा होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।